सर आदि पुरुष का टीजर कैसा लगा? काफी शानदार, बेहतरीन, मजा आ गया वाकई में। मतलब बेहतरीन विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि फिल्म में बहुत ज्यादा VFX देखने को मिल रहा है। अब हम जैसा कि कह रहे थे कि फिल्म का बजट बहुत ही ज्यादा हेवी है, 500 करोड़ के बजट में बनी है, तो वाकई में देखने को समझ में आ रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा VFX है फिल्म के अंदर। मतलब वो जो वानर सेना, और अगर आप वो देखेंगे तो वो सारे जो है हम VFX में ही देख रहे हैं। जैसे अगर आप लोगों को याद हो तो एक हमने वो चिंपांजी वाली फिल्म देखी हुई है, काफी ज्यादा फेमस है, डाउन ऑफ द डेड करके एक फिल्म है मेरे ख्याल से। वो काफी ज्यादा उसमें हमने बंदरों को देखा, VFX बहुत रियल करके बनाते। इसमें भी VFX के थ्रू वो सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, वो किया जा रहा है। हालांकि कुछ किरदार जो मेन है वो तो दिख रहा है। मतलब वो सीता माता के किरदार में हमको कृति सेनन भी दिख रही, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी लग रही है वो भी। और प्रभु श्री राम के किरदार में पोस्टर देख के उतना अच्छा नहीं लग रहा था, कहीं ना कहीं थोड़ा डाउटफुल लग रहा था मुझे भी प्रभास के लुक को लेकर। लेकिन फिल्म देखे, अभी आप टीज़र देखेंगे तो आपको समझ में आएगा टीज़र में कि वाकई में वो बेहतर लग रहा है। उनका लुक भी अच्छा लग रहा है, वो प्रॉपर जम रहा है। मतलब उनके ऊपर वो किरदार बिल्कुल प्रॉपरली कर रहा है। और सैफ अली खान भी दिख गया रावण के रूप में, बेहतरीन विजुअल्स वगैरह दिख रहा है यार, मज़ा आ गया वाकई में। मुझे उम्मीद नहीं थी कि टीज़र में इतना कुछ दिखाएंगे। मैं तो पहले से ही कह रहा था कि टीज़र में इतना ज़्यादा खुल के नहीं बताया जाएगा, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी। राम सेतु बनाते हैं वो वाला सब कुछ, मज़ा आ गया। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होने वाली जनवरी।